हेलो फ्रेंड्स, आप आईएएस डेली स्टैटिक एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज में आपका स्वागत है। हम अपनी इस सीरीज में कला संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार कर रहे हैं। इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनको देख रहे हैं, जो क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। ये कला संस्कृति पर हमारा 6ठा डिस्कशन वीडियो है। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला प्रश्न क्या कहता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीन कथन दिए गए हैं, आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में सही जानकारी की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है, यह केवल भारतीय भाषाओं जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची और अंग्रेजी में लिखने वाले भारतीय लेखकों को दिया जाता है। फ्रेंड्स, आप याद रखिए, यह बिल्कुल सही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो भारतीय लेखकों को दिया जाता है, मुख्य रूप से भारत की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं लिखी हुई हैं उनमें से किसी भी भाषा में लिखने और साथ ही अंग्रेजी भाषा में यदि कोई अपने लेखों को लिखता है तो उसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा दिया जाता है। यानी कि पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कहता है, इसे मरणोपरांत दिया जाता है, यानी कि मरने के बाद दिया जाता है। ये गलत है, क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार एक ऐसा पुरस्कार है जिसे जीवित रहने वाले व्यक्ति को ही दिया जाता है, उनके जीवन काल के दौरान ही दिया जाता है, मरने के उपरांत नहीं दिया जाता है। इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तीसरा कथन क्या कहता है, कन्नड़ भाषा में साहित्यिक कार्यों को सबसे ज़्यादा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं। ये भी जानकारी गलत है, क्योंकि 2015 से पहले तक जो आंकड़ा अभी तक उपलब्ध है उसके अनुसार हिंदी भाषा में सबसे ज़्यादा ज्ञानपीठ पुरस्कार बांटे गए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा, क्योंकि दूसरा और तीसरा कथन गलत है। फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा दिया जाता है, तो इसे आप याद रखेंगे। इसे 1961 में स्थापित किया गया था, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। हमारे डिस्कशन का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, कृष्णदेव राय के शासन की विशेषता थी। तीन विशेषताओं के बारे में दिए गए हैं, आपको सही विशेषता की पहचान करनी है। पहला कहता है, किसी भी सैन्य अभियान की अनुपस्थिति। ऐसा नहीं है, इन्होंने बहुत सारे सैन्य अभियान चलाए, कभी उड़ीसा के शासक को हरवाया तो फिर कभी कभी अपने दक्षिण के इलाकों में भी अनेक राजाओं को इन्होंने परास्त किया था, इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा कथन कहता है, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच भूमि का अधिग्रहण किया। ये जानकारी बिल्कुल सही है, कृष्णदेव राय के द्वारा कृष्णा और तुंगभद्रा नदी का बीच का जो दोआब क्षेत्र है, जिसे रायचूर दोआब भी कहा जाता है, उस क्षेत्र को अधिग्रहित कर लिया था, यानी कि अपने राज्य के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था, इसलिए दूसरा कथन बिल्कुल सही है। तीसरा कथन क्या कहता है, मंदिरों का निर्माण और कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में गोपुरम जोड़ना इनका एक महत्वपूर्ण कार्य था। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी भी बिल्कुल सही है। बहुत सारे राजाओं के द्वारा दक्षिण भारतीय क्षेत्रों पर मंदिरों का निर्माण करवाया गया, उन मंदिरों में गोपुरम जो कि एक प्रकार का द्वार होता है उसे कृष्णदेव राय के द्वारा निर्मित करवाया गया था। यानी कि दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है, पहला गलत है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, तो आप इसे याद रखेंगे। अगर हम बात करें इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों का, तो कृष्णदेव राय का जो शासनकाल था वो विस्तार और युद्ध की विशेषताओं से संबंधित रखता है। इन्होंने रायचूर द्वाब, जिसे मैंने आपको बताया, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को 1512 ईस्वी में अधिग्रहित कर लिया, यहाँ तक कि उड़ीसा के शासक को भी हरवाया, बीजापुर के सुल्तान को भी इन्होंने परास्त किया। लेकिन इनकी एक अन्य महत्वपूर्ण बात ये रही कि ये अद्वितीय शांति और समृद्धि के शासनकाल के लिए भी जाने जाते हैं। इन्होंने जो आसपास के जितने भी मंदिर थे, जिन मंदिरों को इससे पूर्व के शासकों के द्वारा निर्मित करवाया गया था, उन मंदिरों में प्रभावशाली गोपुरम को भी निर्मित करवाकर इन्होंने अपनी ख्याति प्राप्त की, तो इसे आप याद रखेंगे। हमारे डिस्कशन का तीसरा प्रश्न क्या कहता है, यली किस राज्य की वास्तुकला की एक
मूर्तिकला विशेषता है। यहाँ पर चार शासकों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है यली वास्तुकला किससे जुड़ा हुआ है, पल्लव, विजयनगर, चोल और बहमनी। तो फ्रेंड्स आप याद रखिए ये विजयनगर से जुड़ा हुआ है। यली की यदि हम बात करें तो ये एक प्रकार का स्तंभ होता है और उसी स्तंभ में घोड़े की आकृति बनाई जाती है, तो इस पूरे समूह को यली कहा जाएगा। यूपीएससी के द्वारा कल्याण मंडपम किससे जुड़ा हुआ है ये पूछा गया था, आई थिंक 2019 में ही पूछा गया था, तो आप ध्यान रखेंगे पूछा जा सकता है कि यली क्या होता है और ये किससे या फिर किस समुदाय के वास्तुकला से जुड़ा हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का अगला प्रश्न क्या कहता है, एहोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीन जानकारियां दी गई हैं, आपको सही जानकारी की पहचान करना है। पहला कथन कहता है यह मालप्रभा नदी के किनारे स्थित है, यह बिल्कुल सही है। एहोल जो कि कर्नाटक में है वो मालप्रभा नदी के तट पर है, इसलिए ये बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरा कथन क्या कहता है, यह चालुक्य वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। इसमें सैकड़ों मंदिर हैं, जो एहोल का क्षेत्र है वहाँ पर सैकड़ों मंदिर हैं, उसमें हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म सभी धर्मों से संबंधित मंदिर या फिर तीर्थ स्थलों का निर्माण करवाया गया, मुख्य रूप से चालुक्य वास्तुकला को ध्यान में रखते हुए किया गया है, इसलिए दूसरा कथन सही है। तीसरा कथन कहता है इसमें हिंदू और कुछ जैन मंदिर हैं लेकिन बौद्ध मंदिर नहीं है, ये गलत है क्योंकि एहोल के अंतर्गत सैकड़ों की संख्या में हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया गया, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो जैन धर्म से संबंधित हैं और कुछ मंदिर या फिर तीर्थ स्थल ऐसे भी हैं जो बौद्ध धर्म से भी संबंधित हैं, इसलिए तीसरा गलत हो जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, ये जानकारी आपको पूछा जा सकता है। वर्तमान में जो अवशेष मौजूद हैं वो देखने में कुछ इस प्रकार के हैं, आप इसे देख सकते हैं। इसका निर्माण 4वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच करवाया गया था। यदि आपसे ये पूछा जाए कि किसके शासकों या फिर किसके शासनकाल में इसे निर्मित करवाया गया, तो आप कहेंगे कि चालुक्य शासनकाल के दौरान इसे निर्मित करवाया गया था, तो इसे आप ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारे डिस्कशन का पांचवा प्रश्न क्या कहता है, कर्म काग्यु दर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या तो है। यहाँ पर दो जानकारियां दी गई हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है यह जैन धर्म की शाखाओं में से एक है, ये गलत है क्योंकि कर्म काग्यु दर्शन जो है वो बौद्ध दर्शन का एक पार्ट है, बौद्ध संप्रदाय का एक पार्ट है, ये मुख्य रूप से तिब्बत के क्षेत्रों में पालन किया जाता है, इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा कथन कहता है कर्म काग्यु को महामुद्रा और कदम्बा नामक आध्यात्मिक परंपराओं की दो बहुत महत्वपूर्ण धाराएं विरासत में मिली हैं, ये जानकारी बिल्कुल सही है। जो बौद्ध धर्म के अंतर्गत तिब्बत के क्षेत्रों में धर्म का पालन किया जाता है, जिस विचारधारा को माना जाता है उसमें महामुद्रा और कदम्बा नामक दो आध्यात्मिक परंपराओं का पालन किया जाता है और ये परंपराएं इनको विरासत में मिली हुई हैं, यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा क्योंकि पहला कथन गलत है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ये एक प्रकार का प्रशिक्षण होता है जिसके अंतर्गत अपने आप को संतुलित रखने, साथ ही अपने आप को योग इत्यादि के कर्मों के द्वारा कैसे सृष्टि की प्राप्ति की जा सकती है, मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए इस परंपरा का प्रयोग किया जाता है। हमारे डिस्कशन का छठा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीन जानकारियां दी गई हैं, आपको सही जानकारी की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है एलोरा में बौद्ध, हिंदू और जैन स्मारक हैं, ये बिल्कुल सही है। एलोरा मंदिर के अंतर्गत जो मंदिरों का निर्माण करवाया गया है, जो स्थलों का निर्माण करवाया गया है, उसमें बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों ही धर्मों से संबंधित हैं, तो इसे आप याद रखें। दूसरा कथन कहता है बोध गया एक तीर्थ स्थल है क्योंकि सिद्धार्थ ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया और गौतम बुद्ध बन गए, ये जानकारी भी बिल्कुल सही है क्योंकि बोध गया एक ऐसा स्थल है जहाँ पर भगवान बुद्ध सिद्धार्थ के रूप में आते हैं, यहाँ पर वो बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए कार्य करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति सबसे पहले यहीं उनको होती है और उसके बाद वो सिद्धार्थ से अपना नाम परिवर्तित करके गौतम बुद्ध
बन जाते हैं, इसलिए दूसरी जानकारी बिल्कुल सही है, याद रखेंगे। तीसरा कथन कहता है, बोध गया में महाबोधि मंदिर पूरी तरह से नागर शैली में निर्मित है। फ्रेंड्स, ये जानकारी गलत है। बोधि मंदिर जो वर्तमान में मौजूद है, उसे वर्तमान में जो स्ट्रक्चर मौजूद है उसे अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया था, यानी कि वर्तमान स्ट्रक्चर जो मौजूद है वो अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया स्ट्रक्चर है। हालांकि इस मंदिर को अशोक के द्वारा ही निर्मित करवाया गया था, लेकिन वर्तमान में जो स्ट्रक्चर मौजूद है वो अंग्रेजों का है। तो वो ना तो नागर शैली का पालन करके बनवाया गया है और ना ही द्रविड़ शैली का, ना ही बेसर शैली का। तो ये कुछ कुछ ऐसी आकृतियां हैं जो द्रविड़ शैली से इसको मैच करती हैं, लेकिन आप कह नहीं सकते कि ये द्रविड़ शैली या फिर नागर शैली को वास्तुकला का पालन करके निर्मित करवाया गया है। तो तीसरी जानकारी गलत हो जाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पहला और दूसरा सही है, तो आप इसे ध्यान रखें। मैंने एलोरा मंदिर के बारे में जो जानकारी थी उसे बता दिया। इस मंदिर का निर्माण राजा अशोक के द्वारा करवाया गया था, जो बोधि मंदिर है उसका। उसके बाद कुछ समय के बाद यहाँ पर पाल शासकों के द्वारा भी कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया जाता है, पुनरुद्धार इत्यादि का कार्य किया जाता है। लेकिन वर्तमान में जो मौजूद है वो औपनिवेशिक काल यानी कि अंग्रेजों के काल का है, इसे आप याद रखेंगे। जिस वास्तुकला का निर्माण पालन करके इस बोधि मंदिर को बनवाया गया है वो ना तो नागर शैली का है और ना ही द्रविड़ शैली का है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। हमारे डिस्कशन का अगला प्रश्न क्या कहता है, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीन जानकारियां दी गई हैं, नालंदा के बारे में आपको सही जानकारी की पहचान करनी है। पहला कथन क्या कहता है, नालंदा विश्वविद्यालय एक महाविहार है क्योंकि यह विभिन्न आकारों में कई मठों का परिसर है। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है। मठ एक प्रकार के ऐसे स्थल होते थे जहाँ पर शिक्षा ग्रहण किया जाता था पारंपरिक तौर पर भारतीय संस्कृति के अंतर्गत। और ये कहता है कि नालंदा महाविहार, नालंदा विश्वविद्यालय एक प्रकार का विहार है। विहार ऐसे स्थल होते थे जहाँ पर बौद्ध या फिर विशेष रूप से बौद्ध संप्रदाय के जो अनुयायी थे वो किसी विशेष स्थल पर रुक कर अपना समय व्यतीत करते थे, उसे महाविहार कहा जाता था। नालंदा के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे मठों को निर्मित करवाया गया है और उन सभी मठों को मिलाकर एक महाविहार बनता है और उन सभी महाविहारों को मिलाकर एक विश्वविद्यालय का स्थान दिया गया है, उसे ही नालंदा विश्वविद्यालय कहा जाता है। तो ये जानकारी बिल्कुल सही है, आप इसे याद रखेंगे। अगला कहता है, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में अधिकांश जानकारियां इसकी खुदाई पर आधारित हैं। ये गलत है। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में ज्यादातर जानकारियां जो हैं वो हुआन या फिर फाहियान जो कि चीनी यात्री थे, भारत आए हुए थे भगवान बुद्ध से जुड़े हुए जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए, उसी के दौरान इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में भी बहुत समय तक अपना जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ व्यतीत किया था और उसी के अंतर्गत उन्होंने कुछ यात्रा वृतांत लिखे थे और उसी यात्रा वृतांत जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय के जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है, तो इसे आप याद रखेंगे। दूसरा कथन गलत है। वर्तमान में जो खुदाई की गई है तो वो तो मात्र कुछ ही हिस्सा है, मान के चलिए आप 2% हिस्सा ही है जिसको खुदाई किया गया है और बाकी को खुदाई किया भी नहीं जा सकता क्योंकि इसे मिटा दिया गया था, और यदि खुदाई की भी जाती है तो शायद उतनी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं होगी जो कि फाहियान या फिर हुआन इत्यादि के दिए गए स्रोतों से है, तो इसलिए दूसरा गलत है। तीसरा क्या कहता है, इस बात के प्रमाण है कि तीनों बौद्ध सिद्धांत थेरवाद, महायान या फिर वज्रयान यहाँ सिखाए गए थे। ये जानकारी बिल्कुल सही है। आपको ये भी याद रखना है कि थेरवाद, महायान और वज्रयान ये संप्रदाय जो हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, बौद्ध सिद्धांत या फिर बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर थेरवाद, महायान या फिर वज्रयान से संबंधित जो शिक्षाएं थी वो दी जाती थी, इसलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से सारी जानकारियाँ पहला और दूसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया जो जानकारियाँ वही यहाँ पर लिखी गई हैं, आप उन सारी बातों को रिपीट करके देख सकते हैं। जो पीडीएफ हमारे द्वारा उपलब्ध कराया जाता है उसे निश्चित रूप से आप डाउनलोड करें। जो यूट्यूब में यदि आप इसे देख रहे हैं तो निश्चित रूप से इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक
साफ साफ लिखा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, डाउनलोड करें, इसे बार बार रिवाइज करें, आपका तैयारी बेहतर हो जाएगा। जो खुदाई करके प्राप्त किया गया है वो कुछ इस प्रकार के हैं, नालंदा विश्वविद्यालय का, इसे भी आप देख सकते हैं, ये वर्तमान में बिहार में है। हमारे डिस्कशन का 8वां प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो जानकारियां दी गई हैं, आपको सही जानकारी की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है, दोनों चीनी तीर्थयात्री हुआन त्सांग और फाहियान ने नालंदा में अध्ययन किया। यह बिल्कुल सही है, यही दो यात्री थे जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के अंतर्गत आए और यहाँ पर आकर काफ़ी समय बिताया। इन्होंने बहुत सारे भगवान बुद्ध से संबंधित जानकारियों को इकट्ठा किया, तो ये जानकारी बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कहता है, नालंदा पाल मूर्तियों और कांस्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ये जानकारी भी बिल्कुल सही है, क्योंकि नालंदा जो कि आगे चलकर एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में उभरता है, पाल जो कि वर्तमान के पश्चिम बंगाल के आसपास शासन करते हैं, उनके द्वारा यहाँ पर बहुत सारे मूर्ति या फिर मंदिर इत्यादियों का निर्माण करवाया गया था, तो यहाँ पर उनसे संबंधित मूर्तियाँ और कांसे की जुड़ी हुई अन्य जानकारियाँ, अन्य जो इक्विपमेंट हैं वो भी मिले थे, इसलिए ये दोनों जानकारी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, तो इसे आप याद रखेंगे। अगर हम बात करें नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण का, तो फ्रेंड्स इसे इस मंदिर से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसे आप याद रखेंगे कि साहित्यिक परंपरा के अनुसार नालंदा जो है वो राजगीर से 10 किलोमीटर उत्तर में एक प्राचीन शहर उपनगर है जो भगवान बुद्ध और महावीर दोनों से जुड़ा हुआ है। तो यदि आपसे ये पूछा जाए कि नालंदा कौन से लोगों से जुड़ा हुआ है, भगवान बुद्ध और महावीर से है कि नहीं, तो आप कहेंगे कि जी हाँ है, तो ये आप याद रखेंगे। और कहा जाता है कि अशोक ने सारिपुत्र और बुद्ध के शिष्य के चैत्य मंदिरों की पूजा यहाँ पर आकर की थी, तो उसके उन्हीं की याद में इन्होंने मंदिर का निर्माण भी यहाँ पर करवाया था। हर्ष जिन्होंने 606 से लेकर 648 एडी के बीच में शासन किया, नालंदा विश्वविद्यालय के अंतर्गत महायान से संबंधित शिक्षा मुख्य रूप से दी जाती थी। हालांकि हम लोगों ने अभी देखा कि थेरवाद बद्रयान से संबंधित भी थी, लेकिन ज्यादातर शिक्षा जो थी वो महायान से जुड़ी हुई थी, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ पर किन यात्रियों ने आकर यात्राएं की थी, वो जानकारियां भी यहाँ लिखी गई हैं, हमने इससे पहले भी इसे देख लिया है। हमारे डिस्कशन का 9वां प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीन जानकारियां दी गई हैं, आपको पहचान करना है कि ये जानकारी इनमें से किसके बारे में है। पहला कथन कहता है, यह मुखौटा नृत्य का एक रूप है जो पारंपरिक कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए जोरदार मार्शल आर्ट प्रदर्शन का उपयोग करता है। तो जो मुखौटा होता है वो कालबेलिया में नहीं किया जाता है, गरबा में नहीं किया जाता है, पाइका में नहीं किया जाता है, छाऊ में किया जाता है, तो इसे आप याद रखेंगे। इसमें मुखौटा पहना जाता है और मुखौटा पहनकर मार्शल आर्ट यानी कि युद्ध कला संस्कृति का पालन करते हुए नृत्य किया जाता है, तो पहली जानकारी बिल्कुल सही हो जाती है। दूसरा कथन क्या कहता है, नृत्य की तीन मुख्य शैलियां हैं जिसका नाम उस स्थान के नाम पर है, यानी कि पुरुलिया ये पश्चिम बंगाल में है, सराइकेला ये झारखंड में है और मयूरभंज ये उड़ीसा में है। इनमें एक अन्य बात आपको याद रखना है कि पुरुलिया और सराइकेला ये दो ऐसे छाऊ नृत्य हैं जहां मुखौटा पहना जाता है, लेकिन जो मयूरभंज है वहां पर मुखौटा बिना पहने हुए ही नृत्य किया जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसकी दो प्रकार के नृत्य भी हैं जो किया जाता है, एक तो सर्प नृत्य और दूसरा मयूर नृत्य। तो यदि आपसे ये पूछा जाए कि सर्प नृत्य और मयूर नृत्य किससे जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे छाऊ से, छाऊ नृत्य से जुड़ा हुआ है। आप इसे जानते हैं कि छाऊ नृत्य को यूनेस्को के विश्व विरासत अमूर्त सूची के अंतर्गत भी शामिल किया गया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। जो भी जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां थी मैंने आपको बता दिया, आप याद रखेंगे। जो पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में किया जाता है वो इस प्रकार से किया जाता है, आप जानते हैं पश्चिम बंगाल दुर्गा अवतार और दुर्गा माँ से संबंधित महत्वपूर्ण त्यौहार के लिए जाना जाता है। सबसे ज़्यादा प्रचलित दुर्गा पूजा वहाँ
है इसे आप जानते हैं, और जो झारखंड में किया जाता है वो ये है, आप इसे भी देख सकते हैं। हमारे डिस्कशन का 10वां प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो जानकारियां दी गई हैं, आपको सही जानकारी की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है पाटन, इसे पठान भी कहा जाता है, पाटन में रानी की वाव के अलावा गुजरात के किसी भी अन्य साइट को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची के अंतर्गत अंकित नहीं किया गया है। गलत है, क्योंकि जो गुजरात है वहां पर अन्य स्थल हैं जहां पर जिसे यूनेस्को के विश्व विरासत सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो तीसरा, पहला तो गलत हो जाता है। दूसरा क्या कहता है, पाटन यानी कि या तो पठान वास्तुकला को एक वास्तुकला की एक अद्भुत शैली है जिसके निर्माण से संबंधित कार्य केवल दिल्ली में पाए जाते हैं। ये गलत है, क्योंकि पठान या फिर पाटन वास्तुकला का जो निर्माण किए गए हैं वो न सिर्फ दिल्ली में बल्कि गुजरात में भी हैं, यानी कि अहमदाबाद के आसपास भी हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि दोनों के दोनों जो कथन हैं वो गलत हैं। तो आप याद रखेंगे गुजरात में चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क जो है उसे, और जो रानी का वाव है उसे, इन दोनों को ही विश्व विरासत स्थल के रूप में, यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो आप इसे याद रखेंगे, ये रानी का वाव है, कुछ देखने में ऐसा भी दिखता है, और पठान वास्तुकला जो है वो यहाँ पर है, इसे आप देख सकते हैं, इस प्रकार से गुंबद बनाए जाते थे। ये अहमदाबाद में भी देखा जाता है और दिल्ली में भी देखा जाता है। तो इन सारी बातों को आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का डिस्कशन था, हम अपने आज के डिस्कशन को यहीं रोकते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। पीडीएफ के लिए मैं आपको ये बताऊं, पीडीएफ के लिए अब आपको व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेलीग्राम में तो रहना ही है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन हम भेजते हैं कि कौन सा वीडियो कब आ रहा है तो आप वहाँ ज्वाइन करके तुरंत देख सकते हैं। उसके बाद में फिर जब नोटिफिकेशन आता है तो आप यूट्यूब में जाइए, यूट्यूब में वीडियोस देखिए, उसको समझिए, और फिर आपको रिवाइज करने के लिए क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन खोल के देखिएगा, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है डाउनलोड करने के लिए, तो आप उसे डाउनलोड कर लें और रिवाइज करें। थैंक यू।